आज नया चैप्टर है, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? स्टैटिक करंट, स्टैटिक चार्ज, स्थिर विद्युत, सॉरी स्थिर आवेश के विषय में अभी तक हम लोग पढ़े। अब तनी आवेश के ढेला मार के चलावे के बाद बुझला, जब आवेश कबड्डी 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 करके दौड़े लगी तब करंट फ्लो होना। इसीलिए देखो, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर फिटास, कंडक्टर से आवेश का फ्लो, इसमें जो चार्ज है क्यू, जब फ्लो करना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तभी करंट उत्पन्न होता है। जब तक आवेश मूव नहीं करेगा तब तक करंट उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए इसके देखिए हम डिफिनेशन को क्या लिखे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट एंड कट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसके दूसरे रूप में देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, इसको पार करने में कुछ समय लगेगा पर यूनिट टाइम। जो समय लगेगा पर यूनिट टाइम में, जो इस सेक्शन को पार करेगा उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। चीज वही है, रूप अलग अलग है, है ना। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में आवेश के कुल प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट को हम कैसे, इलेक्ट्रिक करंट को किसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, है ना, निरूपित, निरूपित, निरूपित किससे करते हैं हम? आई से। आई किसके बराबर होगा? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम होगा। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन, वेयर क्यू क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम, ये क्या है? करेंट, है ना, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब इसका अगर हम चाहें यूनिट बनाना तो कैसे बनाएंगे बेटा? चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। टाइम का क्या होता है? टी। इसको दे दे सी टी पर टी, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या माना गया है? एम्पियर, एम्पियर, यानी कि इसको ए से इंडिकेट किया जाता है। चार्ज इसका एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। जब तक आवेश फ्लो नहीं करेगा, इससे पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत आवेश हमने पढ़ा था। आवेश चार्ज क्या था? रेस्ट में था, चार्ज इन द रेस्ट। इसमें चार्ज क्या है? भांगड़ा कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मूविंग चार्ज ही इलेक्ट्रिक करेंट उत्पन्न कर सकता है, स्थिर चार्ज कभी करंट उत्पन्न नहीं करता है। जब भी करंट उत्पन्न करेगा तो मूविंग चार्ज उत्पन्न करेगा। आई इज इक्वल टू हमने क्या दिया है? क्यू बाई टी। इफ टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, हमने क्या लिखा? पर यूनिट टाइम, एकांक समय, यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तब ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू, और नीचे में क्या है? टी के जगह 1 दे देंगे तो आई बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर टी 1 हो गया तो आई बराबर क्यू। यानी कहने का मतलब जितना चार्ज अधिक होगा करंट उतना ही अधिक देगा। चलो नोट करो कि करंट जब फ्लो करेगा तो उसका कुछ अपना डायरेक्शन भी होगा, होगा कि नहीं? तो डायरेक्शन इसका हम क्या देंगे? डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, हेलो, देखो, करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के हमेशा
विपरीत दिशा में फ्लो करता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा, फ्लो कर रहा है, तो करेंट इधर फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करेंट इधर फ्लो करेगा। ओके, समझ में आया कि पॉजिटिव से निगेटिव है ये, है ना। यहाँ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब प्लस क्यू है, ठीक है। प्लस क्यू किधर, हमेशा ऐसे, तो इसका करंट कैसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं। अगर इस कंडक्टर में मूविंग, मूविंग का मतलब क्या, गतिमान, गतिमान पॉजिटिव आवेश, यही ना। और अगर चार्ज माइनस क्यू है जी, ए पकौड़ी लाल इधर देखो, मूविंग निगेटिव चार्ज, कहने का मतलब ये क्या, गतिमान ऋण आवेश। आवेश का मतलब निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज अगर इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा। समझ में आई बात, खाली जिंदगी भर काने में ठेपी लगा के हंसैत रह जब, हंसैत रह जब। अगर मान लो हम कहते हैं यहाँ पे चार्ज इन रेस्ट, ए या क्यू चार्ज जो है क्या है, रेस्ट में है, इसमें करंट किधर फ्लो करेगा ये बताओ, करंट किधर फ्लो करेगा। अरे बौधा एंड बौधी, हमने क्या कहा, मूविंग चार्ज ही करंट, ये इसमें कितना होगा, कोई करंट नहीं होगा। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक, तो इसको हम लिख सकते हैं करंट, करंट फ्लो यानी धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कौन करेगा, ओनली मूविंग चार्ज, है ना। केवल मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश ही विद्युत धारा पैदा कर सकता है, गतिमान आवेश, कोई दिक्कत। केवल गतिमान, मेन मुद्दा यही ना हुआ हम लोगों का कि करंट फ्लो कौन कराएगा, मूविंग चार्ज। जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक करंट, और जैसे ही करंट बना, चार्ज आया, उसमें कुछ पोटेंशियल आ जाता है ना। तो इसके विषय में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का लगन आ गया है, तो संबंध भी होना चाहिए। तो इसके विषय में संबंध सबसे पहले किसने बताया, ओम्स ने बताया। कूलॉम्स मत समझ जाना, सस्पिशन में बच्चा पड़ जाता है कूलॉम्स और ओम्स में। कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बताए थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही ना बताए थे कूलॉम। अरे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल था, यही ना बताए, प्रोपोर्शनल हटाए थे के आ गया। तो इसने कूलॉम्स ने बताया, और इस पोटेंशियल और करंट के विषय में संबंध स्थापित किसने किया, ओम्स ने किया। तो इसका अगला टॉपिक ओम्स लॉ है। इससे पहले एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, उसको सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन है आपका, 4 माइक्रो कूलॉम चार्ज भी है, रिमेन स्टेशनरी पोजीशन ऑन ए मेटल वायर, या मेटल वायर के जगह आप कंडक्टर भी लिख सकते हो, सीधे लिख दो कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर फॉर अप टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए, तो विद्युत धारा कितना प्रवाह होगा, आवेश भी है और
टाइम भी है, कितना होगा फटाफट, जैसे एक सेकंड का ओट पर सवाल है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है वन अपॉन टू। अच्छा ठीक, अब क्या करेंगे हमको नहीं पता है, हम ही कर देंगे तो और किसको क्या निकला, तुमको कितना निकला मिस साइज, वन अपॉन टू एम्पियर, और किसी को दिए, बिल्कुल ही गलत, जीरो होगा। यहाँ कह रहा है स्टेशनरी चार्ज स्थिर है, हमने क्या कहा कि चार माइक्रो कूलम का आवेश 8 सेकंड तक स्थिर है, और मैंने आपको कहा था मूविंग चार्ज ही केवल करंट बना सकता है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, लेकिन आपने इसको नहीं देखा, स्टेशनरी चार्ज है ये, स्थिर है, और चाहे वह 4 माइक्रो कूलम हो या 10 कूलम हो या 100 कूलम हो, 8 सेकंड के लिए हो, 1 घंटा के लिए हो, स्थिर है, तो कोई आवेश, मशीन जब तक चली नहीं तब तक करंट